सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोग अपने कार्यों में लगे होंगे। तो क्लास 11 हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज जैसे कि हमारी चल ही रही है, आप लोग हमें सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज। तो ये हमारी हिंदी मीडियम के लिए होने वाली है, जैसे कि हमने अपने पहले की वीडियोज में भी कहा है, दिस सीरीज गोइंग फॉर हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम के लिए सीरीज होने वाली है हमारी, और इसकी जो प्रीवियस लेसन है मैंने लगभग, ये हमारी हिस्ट्री की आखिरी है, मैंने हिस्ट्री का जो आपका टर्म वन है, टर्म वन का मैंने पूरा सारे ऑल चैप्टर्स जितने भी आपके आ रहे हैं, ऑल चैप्टर्स के एमसीक्यूज आपके लिए बना के अपने चैनल पर डाल दिए हैं। तो आप लोग उन्हें जल्द से जल्द देखें, हमें अपना बताएं कि आपको कैसे लगे। तो ये सब आप काम जल्दी से जल्दी करें, जितना जल्दी आप करेंगे उतना हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो आप जल्दी से जल्दी इस काम को करें और बताएं मुझे जल्दी से कि कैसा आपको लगा। ठीक है, जल्दी करिएगा, जितनी जल्दी आप करेंगे उतना अच्छा हमारे लिए। तो आप जल्दी से इसे देख के हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। ऑल चैप्टर्स हमने डाल दिए हैं, हिंदी मीडियम के लिए चैप्टर डाल दिए हैं, और इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप जल्दी से देख सकते हैं। चलिए चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 6, तीन वर्ग, या आप जैसे कि आप देख पा रहे होंगे चैप्टर नंबर 6 तीन वर्ग जो कि आपका चैप्टर है, वो हम इसे पूरा करने जा रहे हैं। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न, बहुत ही अच्छा सवाल, बड़ा कर लेता हूं स्क्रीन पे। सामंतवाद शब्द जर्मन शब्द फ्यूड से बना है, तो इसका क्या मतलब है? फ्यूड का मतलब क्या होता है? ये फ्यूडलिज्म आपने सुना होगा जरूर, फ्यूडलिज्म। ये फ्यूड शब्द क्या है? तो ये फ्यूड शब्द का मतलब है भूमि का टुकड़ा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके लिए, आपके स्क्रीन पे, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। लॉर्ड द्वारा नाइट को दिया जाने वाला जमीन का टुकड़ा क्या कहलाता था? लॉर्ड द्वारा नाइट को दिया जाने वाला जमीन का टुकड़ा क्या कहलाता था? तो क्या कहलाता था उसको बोलते थे फीफ। ठीक है, फीफ। मैं आपको थोड़ा सा नाइट के बारे में बता देता हूँ क्या होता है। देखिए क्या था कि एक वर्ग में आप पूछ रहा हूँ नाइट का उदय कैसे हो, जैसे लॉर्ड है नाइट, ठीक है ये नाइट, तो ये नाइट क्या है ऐसे संबंधित है लॉर्ड से, जैसे लॉर्ड संबंधित है किंग से, तो ये इनका ये रिलेशन होता है। और नाइट क्या होते थे? कुछ अश्वारोही, ये क्या होते थे? कुछ योद्धा होते थे। तो लॉर्ड इनको क्या कहते थे? एक जमीन का टुकड़ा दे देते थे। जैसे लॉर्ड ने क्या किया, ये जमीन का टुकड़ा इनको दे दिया कि अब तुम रखो इसको। तो ये क्या, अब इस पे इन्हें सब कुछ मिलेगा, कृषक सब इनका काम करेंगे। इनका काम क्या है कि इनकी लॉर्ड को क्या करना है, इनकी तरफ से एक तो इन्हें उपहार भी तो देने ही वगैरह होते ही थे लॉर्ड को, साथ में इन्हें क्या देना है कि लॉर्ड की तरफ से अगर लड़ाई हुई तो लॉर्ड को अपनी सेवाएं देनी है। ये बाकी टाइम अपना लड़ने वड़ने में अपने को मजबूत करने में लगाते थे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, नगरवासी उदय वर्ग के उदय के क्या करते हैं? जनरली नगरवासी कब उदय होते हैं? जब क्या होता है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, सिटीज बढ़ेंगी, ट्रेड बढ़ेगा। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो क्या करते हैं, जो सिटी, तीनों मिलकर सिटी कल्चर को बढ़ाती है। तीनों मिलकर क्या करती है? सिटी कल्चर को बढ़ाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आप दिमाग लगा के कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, श्रेणी शब्द से अभिप्राय है, श्रेणी, जिसे गिल्ड आपने सुना होगा, एक शब्द गिल्ड, इससे क्या मतलब है? ये एक ऐसी संस्था होती है जो डिसाइड करती है कि भाई कोई भी गुड है जो वो, उसका प्राइस क्या होगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी, ठीक है, ठीक है, और उसका टैक्स क्या होगा, ये सब जो डिसाइड करती है संस्था उसको क्या बोलते हैं? गिल्ड। अब तो आगे देखिए, चर्च द्वारा कृषक से एक वर्ष के अंतराल में लिया जाने वाला उपज का 10वां भाग, तो ये चर्च है मान लीजिए, और ये यूरोप, बिल यूरोप है। चर्च क्या करता था? जो भी कृषक होता था, जो भी फार्मर होता था, उससे क्या कहता था कि भाई एक साल में एक बार मान लो तुम्हारी 100 100 रुपए का तुमने काम, 100 रुपए की टोटल प्रोडक्शन है, तो इसका 1/10वां हिस्सा यानी 10 आप हमें दोगे, चर्च को दोगे साल में एक बार। तो ये इसको बोलते थे टीथ। क्या बोलते थे? टीथ, ध्यान रखना है। अभी देखिए सही या गलत बताने, देखते हैं आप में से कितने लोग बता पाते हैं। चलिए सही या गलत का चिन्ह लगाएं, बताइए। तो देखिए, ओबे शब्द सीरिया के अबा से लिया गया है, जिसका अर्थ है घर। अब देखो काट दो इसे, अबा, अबा कुछ ऐसे रिलेटेड, आपको अब्बा जरूर रिलेटेड आ रहा होगा सीरिया के, अब्बा, तो अब्बा का मतलब क्या होता है? पिता, तो घर तो हो ही नहीं सकता, पहला काटा। सेकंड, फ्रांस के शासकों का लोगों से जुड़ाव एक प्रथा के कारण था जिसे वेसलेस कहते थे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, वेसलेस जिसे कहते थे। वेसलेस वही प्रथा थी कि जैसे दास रिलेटेड है वैसे लॉर्ड रिलेटेड है जमीन। आगे, ईसाई धर्म के भिक्षु की जिंदगी में केवल पुरुष ही अपना सकते, नहीं स्त्री भी अपना सकती थी, भी गलत है। कैथेड्रल चर्च के ना बड़े अभिरंजित कांच का प्रयोग करता कि दिख सके लोगों को अंदर भी, कि मतलब कि क्या क्या लिखा हुआ है।
सामंती वसंत होने की इच्छा रखने वाले नहीं, कृषिदास भागकर जंगलों में छिप जाते थे। हाँ बिल्कुल छिप जाते थे। तो मैंने आपको बता दी कौन सही है कौन गलत। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। तीन वर्गों से तात्पर्य है, देखिए तीन वर्गों से तात्पर्य, तीन सामाजिक श्रेणियां, सोशल क्लास, ठीक है, सोशल क्लास तीन वर्गों से तात्पर्य ये है। मध्यकालीन युग किसे कहा जाता है? मध्यकालीन युग, ध्यान रखिए ये लिख, मध्यकालीन युग किसे कहा जाता है? मध्यकालीन युग ये है 5th सेंचुरी और 15th सेंचुरी के जो बीच का टाइम है, इसको आप क्या बोलते हैं? मध्यकालीन युग। और इसके बाद जो आपका सेकंड नंबर चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर मतलब 7 है शायद चैप्टर नंबर, वो उसमें आप आगे पढ़ेंगे कि इसके बाद क्या है। तो ध्यान रखना आपको 5वीं और 15वीं शताब्दी के बीच का समय। आगे देखिए अगला प्रश्न। सामंतवाद शब्द का प्रयोग इतिहासकारों द्वारा क्यों किया जाता है? वाई, है ना, मतलब कि किस काल में कह लो कि मतलब ये कह लो कि प्रयोग इतिहासकारों द्वारा किस चीज के लिए किया जाता है, क्यों तो नहीं, किस चीज के लिए, किस चीज के लिए किया जाता है? तो मध्यकालीन यूरोप में जो आर्थिक सामाजिक, यानी जो मध्यकालीन यूरोप है, यानी जो 5th सेंचुरी से 15th सेंचुरी के बीच का समय है, इस समय पे आपकी रिलेशंस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, किस टाइप के रिलेशन, जिस टाइप के रिलेशन थे, संबंध थे, उनको कहा जाता था सामंतवाद, उस उनके लिए यूज किया जाता है। फ्यूड शब्द का क्या अर्थ है? अभी बताया है थोड़ी देर पहले। आर्थिक संबंधों में सामंतवाद का अर्थ है, देखिए आर्थिक संबंध, इकोनॉमी, और आज भी क्या, पहले भी इकोनॉमी बेसिकली किस पे आधारित थी? एग्रीकल्चर पे। अब मेनली सारा फोकस किस पे? एग्रीकल्चर पे। तो एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, यानी कृषि का उत्पादन जो सामंत तथा कृषकों के संबंधों पर, यानी ये लॉर्ड और ये पीजेंट या फार्मर कह लो, इनके जो रिलेशन है, इसमें आर्थिक सामंतवाद है। आगे अगला प्रश्न। राजा शॉलेमन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फ्रांस के राजा थे, ये फैक्चुअल सवाल है। गॉल का नाम बदलकर फ्रांस किसने किया? देखिए फ्रांस किस से रिलेटेड लग रहा है? फ्रैंक, कौसी बात है, तो जर्मन की जनजाति फ्रैंक ने। आगे देखिए, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड द्वीपों किसने जीता? नॉर्मंडी के एक राजकुमार ने जीता था। ऑबे शब्द का क्या अर्थ है? ये तो मैं अभी बता चुका हूं थोड़ी देर पहले, बड़ा कर लेते हैं। अभिजात वर्ग किस वर्ग में आते थे बताइए? सेकंड में आते थे। मैं आपको बता दूं, जैसे ये सोशल क्लास ले लो आप फ्रांस की, ठीक है, ये तो अच्छा नहीं बना डायग्राम। हाँ अब बनाते, देखिए मान लीजिए ये मैंने एक डायग्राम बना लिया है, तो इस सोशल क्लास को आप ध्यान रखिए। देखिए इसमें तीन वर्गों में बटा होता है समाज, इसे बोलते थे फर्स्ट, इसे बोलते थे सेकंड, इसको बोलते थे थर्ड। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट कौन से था जिसमें कौन आते थे? पादरी लोग, पादरी मतलब चर्च वगैरह। सेकंड में कौन आते थे? अभिजात वर्ग, राजा वगैरह कह लो आप। और तीसरे में आते थे हमारे कृषक, किसान, ठीक है। और इसी इसी डायग्राम बनाने का अंतर क्या है कि ये सबसे कम, ये उससे ज्यादा, और ये सबसे ज्यादा, ये ध्यान रखना है। अमीर लोग वैसे भी कम ही होते हैं। फ्रांस के शासकों का लोगों से लगाव किस कारण था? भाई ये प्रथा है कोई वैसलेज, उसके कारण है, अभी बताया थोड़ी देर पहले। होती जाती वही, जैसे ये किंग है, अब एक किंग से जैसे लॉर्ड रिलेटेड है, ऐसी लॉर्ड से कौन रिलेटेड है? किसान रिलेटेड है, कृषक, किसान कह लो, फार्मर कह लो। तो ये जो प्रथा थी कि भाई ये लॉर्ड इसके नीचे काम करेगा, किसान इसके नीचे काम करेगा, तो ये ऐसे रिलेटेड थे, इसे वैसलेज कहते थे, दास वाली बात है ना, दास, इसको मैं थोड़ा और समझाता हूँ आपको। तो ये क्या है कि दास, दास वाली भी नहीं है कि दास क्या करेगा, वैसल इसको बोलते थे। दास क्या है कि दास और स्वामी, मान लो स्वामी यहाँ लेते थे मैं, स्वामी, स्वामी क्या करेगा? दास को भाई फूड देगा और शेल्टर देगा, और दास क्या करेगा? उसको अपनी सर्विस देगा, सेवा। तो ये इस टाइप की प्रथा थी, इसको बोलते थे ये। आगे देखिए, लॉर्ड शब्द का क्या अर्थ है? लॉर्ड का मतलब है रोटी देने वाला, ये रोटी देने वाला, ठीक है, रोटी देने वालों को क्या बोलते थे? लॉर्ड। दासों को उनके मालिक द्वारा, मतलब एक समारोह टाइप होता था, उसमें भूमि पर सेवा के लिए आप उनको एक लिखित अधिकार, एक छड़ी भी दिया, भूमि का डला दिया जाता था कि इस भूमि पे तुम रहना है, उपरोक्त तो सभी इसका आंसर। अभिजात वर्ग की एक विशेष पहचान थी, एक स्पेशल उनकी एक वैल्यू थी, स्पेशल वैल्यू है ना, स्पेशल इंडिविजुअलिटी कह लो, स्पेशल पहचान कह लो, किस लिए? संपदा पर स्थायी रूप से नियंत्रण था, जो भी प्रॉपर्टी उसमें, वो अपनी सैनिक पावर बढ़ा सकते थे, न्यायालय लगा सकते थे, अपनी मुद्रा तक छाप सकते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों, ये उपरोक्त में से कोई नहीं को काट के लग जाए, उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, मेनर किसे कहते हैं? लॉर्ड के घर को मेनर कहा जाता था, जैसे ये जो लॉर्ड है, ये मान लो लॉर्ड का घर है, तो इसके आसपास बहुत जमीन होती थी, इसलिए इसको कहते हैं मेनर, कहते थे लॉर्ड की जागीर को।
पादरी वर्ग कौन से वर्ग में था, अभी थोड़ी देर पहले बताया। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष कौन थे, पोप। आपने एक जरूर नाम सुना होगा, वेटिकन सिटी, सुना है ना। हाँ, वहां पे रहा करते थे पोप, और बहुत जबरदस्त पावर हुआ करती थी इनकी, वेटिकन सिटी। ठीक है, कहाँ रहते थे, पोप। रोम में ये जगह, वेटिकन सिटी आपने नाम सुनूंगा, पोप वहां पे रहते थे, रोम। टीथ किसे कहते हैं बताइए, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था मैंने आपसे टीथ। मोनेस्टी शब्द क्या कहते हैं, मोनेस्टी शब्द एक सबसे बना है मोनेस, मोनेस, और ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है मोनो से, तो मोनो मतलब एक व्यक्ति जो अकेला रहता है। बड़ा है तो दो सबसे प्रसिद्ध मठ है, दोनों है, आपने नाम ध्यान रखना है। 529 में इटली में हुआ था सेंट बेनेडिक्ट, और 900 में बर्गंडी में हुआ था क्लूनी। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना है। आगे देखिए, मॉन्क किसे कहते हैं, मॉन्क उनको कहते हैं जो भिक्षु, ऐसे भिक्षु जो मेल होते हैं, जो मेल भिक्षु होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मॉन्क, है ना। मॉन्क इस पर आपने सुना होगा, मॉन्क को सोल्ड इस फरारी, वही वाले मॉन्क। नन किसे कहते हैं, नन क्या होते हैं, महिला, भिक्षु महिलाओं को क्या कहते हैं, नन। भिक्षु महिलाओं को क्या कहते हैं, नन। फ्रायर किसे कहते हैं, 13वीं सदी के वो भिक्षु जिन्होंने कहा कहा कि हम मठों में नहीं रहेंगे, हम मठों में नहीं रहेंगे, उनको क्या कहते हैं, हम फ्रायर कहते हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, हम मठ में नहीं रहेंगे, हम अलग रहेंगे, है ना। कुछ सारे बाकी तो मठ में रहते थे, बाकी लोग अलग रहेंगे, और बेसिकली मठ में रह के क्या करते थे, जैसे जो भी भिक्षु होते थे, मैं आपको बता दूं, ये भिक्षु ये बहुत क्या करते, जैसे मान लो ये मठ है, तो ये मठ में रह के क्या करेंगे, सारा टाइम सेवा करेंगे, है ना, भिक्षा मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो ये सब क्या करते थे, ये यहाँ पे रह के ये सारे काम किया करते थे। कुछ ने कहा, फ्रायर ने कहा हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही आसान, पियर्स प्लाउमैन किसकी कविता, लैंगलैंड नाम के एक व्यक्ति की कविता है पियर्स प्लाउमैन। कैंटरबरी टेल्स किसकी कविता है, चौसर नाम के एक व्यक्ति की कविता है। बहुत ये सब याद रखने वाले प्रश्न है। ईस्टर किसका प्रतीक था, देखिए ईस्टर आपने सुना होगा जरूर, देखिए आपने सुना होगा कि जो ईसा मसीह ने ऐसे क्रॉस पे एक है ना, एक शूले पे ऐसे करके टांग दिया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद उनका पुनर्जीवित हुए। शूलारोपण का भी प्रतीक है, शूल पे टांग देना, सूली पे बोलते ना, सूली पे टांग देना, वहीं से आया है। और दूसरा क्या, ईसा के पुनर्जीवित होने का, दोनों का प्रतीक किसका है, कौन है, ईस्टर। आगे देखिए, पेरिस से क्या तात्पर्य, पेरिस से तात्पर्य पादरी के देखरेख में आने वाला चित्र, ऐसे पेरिस और पादरी एक रिलेट कर सकते हैं आप। आगे देखिए, घुमक्कड़ भिक्षु से क्या तात्पर्य है, ऐसे भिक्षु जो बहुत दूर दूर तक तो घूमते रहते हैं, तीर्थ स्थलों पर भ्रमण करते रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, घुमक्कड़ भिक्षु। आगे देखिए, कृषक किस वर्ग में आता है, अभी मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं आपको। ठीक है, कृषक कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के थे, एक को बोलते थे स्वतंत्र कृषक और दूसरे को बोलते थे सर्फ। और सर्फ वहीं से रिलेटेड आए कि वही सेवा वाली भाव, गुलाम टाइप, सर्व वहां से रिलेटेड हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। इंग्लैंड का नाम किस शब्द का रूपांतरण है, एंजिलैंड, एंजिलैंड से शब्द निकला है। यूरोप में कौन सी सदी से तापमान बढ़ने लगा था, 11वीं सदी से। बहुत ये सब आसान सवाल है आपके लिए। प्रारंभ में यूरोप में फसल बोने के लिए भूमि को कितने हिस्सों में बांटा जाता, पहले दो हिस्सों में बांटा जाता, जैसे दो हिस्सों में बांट दिया भूमि को, लैंड को। अब यहां पे क्या होगा कि एक हिस्से, मान लो इस साल हमने एक फसल उगाई, मान लो क्रॉप ए उगा दी, तो दूसरे हिस्से क्या करेंगे, लीव ऐसे छोड़ देंगे खाली, अब ये खाली छोड़ दिया। अब अगले साल क्या करेंगे, इसी लैंड पे इस हिस्से पे क्रॉप बी उगाएंगे और इस हिस्से को खाली छोड़ देंगे। इससे क्या होता था कि क्रॉप के अंदर जो उपजाऊपन था वो बना रहता था। आगे देखिए, नई कृषि प्रौद्योगिकी, जब नयापन आया तो उसमें भूमि को, उसमें अब मान लीजिए ये लैंड है, मैंने एक लैंड मान ली, ये लैंड मान ली, अब इसमें तीन भागों में बांट दिया, इसमें बोया और इसमें बो दिया, अब इसको क्या छोड़ दिया खाली। अगले में क्या करेंगे, मान लो इसमें बो दिया और इसमें बो दिया, इसको खाली, अब अगले में क्या करेंगे, इसमें बो दिया, इसमें बो दिया, इसको खाली। तो इससे क्या होता था, जमीन के अंदर रिवीजन होता रहता था, मतलब कि रिवाइव होती रहती थी जमीन। अगला प्रश्न देखिए, 14वीं सदी में संकट आने के क्या कारण थे, बिल्कुल ठंडी ऋतु भी थी, धातु मुद्रा में कमी भी आई थी, ब्यूबोनिक प्लेग भी फैला था, तो डी विल बी द राइट आंसर। अरे बड़ा कर लेते हैं प्रश्न, 1325 में प्लेग किस देश में फैला था, प्लेग ऐसे लिखते हैं, प्लेग किस देश में फैला था, मिस्र में फैला था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, ट्यूडर वंश की स्थापना हुई 1485 में, ये डेट। अभी फिर फैक्चुअल सवाल हुआ, एकदम फैक्चुअल सवाल ध्यान रखना है आपको। कॉफी का यूरोप में पहली बार प्रयोग किस वर्ष हुआ, 1517 में हुआ, फैक्चुअल सवाल है, इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सब फैक्ट्स है, याद है तो होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे, तो याद करके जाइए इनको, एटलीस्ट कुछ फैक्ट्स को। तो माइक्रोस्कोप की खोज 1590 में हुई। सौर परिवार सिद्धांत, देखिए ये आप बिल्कुल दिमाग लगा के, कॉपरनिकस का नाम सुना होगा, ये दिमाग, ये ऐसा सवाल है जो मतलब कि अंडरस्टैंडिंग से हो सकता है।
क्या आपने जरूर कॉपरनिकस का नाम, क्योंकि बहुत फेमस है सौर परिवार सिद्धांत में, उन्होंने कहा था, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, रूस में आधुनिकीकरण किसने किया? पीटर महान ने किया था, सेंट पीटर्सबर्ग, आपने नाम सुना होगा। लुई 14 फ्रांस का शासक बना, 1638 में बना था। आगे देखिए, दून दी मिथेन, ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, कब देखते हैं कितने लोग इसका कमेंट करते हैं आंसर, है ना। पिछली बार से बहुत आसान क्वेश्चन छोड़ रहा था, लेकिन ये भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, देखते कितने लोग इसका आंसर करते हैं इस बार। आखिरी क्वेश्चन, वेस्ट इंडीज में गन्ने की खेती कब शुरू हुई? 1654 में। तो चलिए, थैंक यू, बहुत ही छोटा सा लेक्चर था, छोटा सा चैप्टर भी है। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, और जल्दी से टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर लीजिए। आपको चैनल का नाम बताई है, मैंने बताया है उत्साह क्लास 11H। अब आपके लिए हिस्ट्री मैंने पूरी कर दी है, जल्दी आपके लिए क्वालिटी भी आएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।